हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। माई चैनल नेम इज़ एग्ज़ाम टपरी और होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और घर में रह रहे होंगे और अपने और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे घर में रहकर। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। आज का टॉपिक है VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही अपने आप में एक रेपुटेड कॉलेज है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं। जिन स्टूडेंट्स की मार्क्स अभी बहुत अच्छे नहीं आए हैं या परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं आई है मेंस के एग्जामिनेशन में, तो उनको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए। तो न्यूज़ में आप लोगों को बता दूं, VIT एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट्स हैं वो अब बदल चुकी हैं और आपका जो एग्जाम्स होगा अब होगा ऑनलाइन। तो वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने VIT इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा VIT 2020 को फिर से जारी करने की घोषणा की है। VIT के आवेदन पत्र भरने की आखिरी तारीख है 20 मई, जो कि 20 तारीख रखी हुई है कि लास्ट डेट जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट्स हैं वो है 20th of May। तो ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आप अगर न्यूज़ को पढ़ लें तो VIT के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे आपके 28, 29 और 30 मई को आपके जो एग्ज़ाम है आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोनों परिसरों VIT वेल्लोर और VIT चेन्नई द्वारा प्रस्तावित BTech पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की जाएगी। जो स्टूडेंट्स BTech में इंटरेस्टेड हैं VIT में ऑब्वियसली 12th के बाद, अब उनके लिए जो टेस्ट की डेट रखी है वो 28, 29 और 31 मई रखी है। और एग्ज़ाम कैसे होगा? एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगी परीक्षा। इस कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन परीक्षा छात्र अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से दे सकते हो आप। परीक्षा के सुपरविजन के लिए एग्जामिनर भी ऑनलाइन मौजूद होगा, जो छात्रों पर वेबकैम के जरिए नज़र बनाए रखेगा। VIT आवेदन पत्र भरने की आखिरी तिथि जो रखी हुई है वो 20 मई रखी हुई है। अब कैसे कर सकते हैं आप, ये भी मैं आप लोगों को बताता हुआ चलता हूँ। आपको VIT की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, अपना नाम पता और शैक्षणिक योग्यता सारी डिटेल्स आपको अपलोड करनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़ीस भरें, अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड और भविष्य में आवश्यकता देखते हुए उसे सेव कर लें। ठीक है, तो VIT परीक्षा की जो इससे पहले क्या था, ऑफलाइन मोड था, जो कि 18 जून से 26 जून के बीच में निर्धारित की गई थी। कोविड के 19 के बढ़ते हुए केसेस के कारण VIT को ये कदम उठाना पड़ा है। तो देखिए गाइस, कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि आपका जो VIT वाला जो एग्जामिनेशन है अब वो ऑनलाइन हो गया है और 28, 29, 31 को आपको ये एग्ज़ाम देना है। लास्ट डेट कब रखी हुई है? लास्ट डेट देखिए इसकी रखी हुई है 20 मई। तो अब थोड़ा सा और अपन आगे चलते हैं और VIT के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो VIT का यार देखिए, VIT के बेसिकली चार कैंपस हैं। एक तो VIT वेल्लोर हो गया, VIT चेन्नई हो गया, VIT आंध्र प्रदेश जो अमरावती में है और VIT भोपाल। तो VIT काफ़ी पॉपुलर जो है, ये एक अच्छा एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो जिन भी बच्चों के परसेंटाइल अगर JEE में से बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उनको ज़रूर ये एग्जामिनेशन देना चाहिए। थोड़ा सा अगर VIT के डिटेल्स के बारे में बता दूं तो एस्टेब्लिशमेंट 1984 का है और कनेक्टिविटी VIT वेल्लोर की मैं बात कर रहा हूँ तो चेन्नई एयरपोर्ट से आप लोग डिस्टेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट 130 किलोमीटर, और अगर रेलवे स्टेशन की मैं बात करूँ तो रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पे VIT वेल्लोर आपको मिलेगा। थोड़ा सा और नीचे मैं आ जाता हूँ तो VIT वेल्लोर की अगर मैं बात करता हूँ तो मोड ऑफ एडमिशन में दो है। एक तो VIT में आप मेंस के बिहाफ पे भी यहाँ पे एडमिशन मिलता है, एडमिशन डन बाय VIT की काउंसलिंग के थ्रू और VIT के मार्क्स के बिहाफ पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अब देखिए, 4 साल का यहाँ पर BTech प्रोग्राम है तो आपके यहाँ पे ब्रांचेस कौन सी है, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड बिजनेस सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन, कंप्यूटर, बहुत सारी ब्रांचेस, जो ब्रांचेस होती हैं वो काफ़ी सारी ब्रांचेस लगभग यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब VIT की जो पिछले साल की मैं फ़ीस की बात करूँ तो फीस जो लगभग थी आपकी, अगर कॉशन मनी 3,000 रुपये, ट्यूशन फीस 1,73,000 रुपये, तो टोटल जो फीस होगी अब लगभग आपकी 2,00,000 रुपये आपकी हर साल की फीस मान के चलिए। हॉस्टल फीस इसमें थोड़ा सा और अगर अपन जोड़ ले तो हॉस्टल फीस 50,000 से 60,000 रुपये आपकी हॉस्टल फीस पर ईयर की, वो भी इसमें होगी अलग से। अब स्कॉलरशिप की अगर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ तो स्कॉलरशिप जो यहाँ पे है स्टेट बोर्ड्स के अगर टॉपर्स हैं तो 100% ट्यूशन फीस वेवियर फॉर ऑल 4 ईयर्स, टॉपर्स ऑफ ईच स्टेट बोर्ड एंड सेंट्रल बोर्ड, हर स्टेट के टॉपर को और सेंट्रल बोर्ड के टॉपर को 100% ट्यूशन फीस में से वेवियर मिलेगा। VIT रैंक होल्डर 1 to 50 जिसकी है उसको 75% है, VIT रैंक होल्डर 51 to 100 है वो 50%, और VIT रैंक होल्डर 101 to 1000 के अंदर जिसकी रैंक है उसको 25% तक स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ पे एवरेज पैकेज की मैं बात कर लेता हूँ तो एवरेज पैकेज यहाँ पे जो लगा हुआ है बच्चों का वो 5 से 6 लाख रुपये का, और हाईएस्ट पैकेज जो 2019 का है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो हाईएस्ट पैकेज जो था 39 लाख पर एनम का ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, 33 लाख पर एनम का DE शॉ का, और 21.50 का जो पर एनम का था वो पेपल ने यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज रखा हुआ था। एवरेज पैकेज जो 2019 का था तो 6 लाख के आसपास था। पास रिक्रूटर काफ़ी सारी टॉप कंपनियाँ जहाँ पे ऑलरेडी रिक्रूटमेंट के लिए
आती हैं। तो अब स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आता है कि भैया ये कॉलेज बेहतर है कि नहीं। देखिए गाइस, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है और बहुत ही फेमस एग्जामिनेशन है ये, जो बच्चे हर साल, बहुत सारे बच्चे इसके लिए अपीयर होते हैं। लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर की 13 से 14 लाख रुपये का जो पूरा पैकेज था 4 साल का, वो 13 से 14 लाख रुपये पर चल रहा था। तो लास्ट ईयर भी जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन ही हुए थे, तो 13 to 14 lakh rupees की लगभग इसकी टोटल फीस रही थी। तो अभी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका नहीं है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस से मतलब मेरा है कि अबव 95% या 90 to 95% आपके इसके बीच में है, तो आपको ज़रूर VIT वेल्लोर की तरफ मूव करना चाहिए। क्योंकि 95% से 90 अगर 97% तक भी आपकी है मेंस में और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो बहुत अच्छा NITs आपको मिलने की है, कोर ब्रांचेस की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम मुझे दिखाई दे रही है। कुछ और आपकी क्वेरीज हैं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कुछ और आप पूछना चाहते हैं VIT के रिगार्डिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। माय नेम इज करण। स्टे सेफ, स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय गाइस।